हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सारे? होप करते हैं सारे बढ़िया हो गए। तो भाई एक्चुअल में जो मेन कंटेंट था यार इस वीडियो का, वो पहले से शूट हुआ हुआ था, बट जो इंट्रो और आउट्रो था वीडियो का वो हो गया था डिलीट, तो दोबारा से शूट कराया यार। एक्चुअली इस वीडियो में बताया था कि जो बुलेट में जो डीकंप्रेशर होता है उसका मेनली यूज़ क्या होता है, तो उसको आप आगे वीडियो में देख लेना। और पिछले वाला जो फर्स्ट व्लॉग था हमारा, जिसने भी नहीं देखा है जाके एक बार चेक कर लेना, कमेंट में मैं उसकी लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। भाई फर्स्ट व्लॉग तो आ गया था, बट अभी नेक्स्ट व्लॉग भी जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ यार मिनी व्लॉग डालूँ के व्लॉग ही डालूँ, तो उस पर काम चल रहा है। वीडियोज़ काफ़ी शूट हुई रखी हैं, बस एडिट करनी है। ठीक है भाई, तो देखो आगे वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो ये रहा भाई अपना, ये रहा एम्प मीटर, भाई इसको बोलते हैं एम्प मीटर। तो इसका यार यूज़ बताऊंगा आज आपको, जो कि मतलब यार बुलेट को, जो पुरानी वाली बुलेट है यार उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी यार ये चीज़। ये इसका स्विच होता है भाई, इसको डीकंप्रेशर बोलते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, एक ट्रिक दिखाई थी। तो भाई आज इसका यूज़ बताने वाले हैं भाई। तो सबसे मतलब आप ये मान सकते हो यार, एक तरीके से जैसे ये इग्निशन ऑन करने का स्विच है ना, तो ऐसे ही बुलेट को स्टार्ट करने का स्विच है भाई। अगर ये स्विच नहीं होगा ना, तो भाई भाई कितनी कैडी बैक किक मारेगी। बैक किक तो आपने सुनी होगी भाई, ओल्ड बुलेट में बैक किक मारती थी। ठीक है भाई, इसी बैक किक से बचाने के लिए ये होता है भाई डीकंप्रेशन। तो इसका काम क्या होता है मेनली, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे अब ये मैंने स्विच ऑन किया ना, अभी ये जो है ये बिल्कुल बीच में है, मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, अगर ये होता है इधर की साइड पॉजिटिव साइड, इट मीन कि भाई बैटरी चार्ज हो रही है। और अगर ये है नेगेटिव की साइड, तो मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं इंडिकेटर ऑन करता हूं ना, मतलब देखो ये रहा ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मतलब करंट अप डाउन हो रहा है, बिकॉज इंडिकेटर ऑन ऑफ हो रहा है ना। तो अगर ये ऑफ पे है तो भाई आपको किक मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैक किक खाओगे, टांग तोड़वा लोगे। तो भाई इसको मतलब बुलेट में क्या होता था, फोर स्ट्रोक इंजन होता है ना, फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्टेजेस होती हैं, जो कि हैं भाई आपकी ये सबसे पहले होती है इसमें सक्शन, और दूसरी कंप्रेशन, तीसरी होती है पावर, और फोर्थ एग्जॉस्ट। तो भाई ज़्यादा टेक्निकली तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके भी समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी लॉन्ग बन जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ ना। तो जैसे चार होता है ना फोर स्ट्रोक में, तो जो मेनली होता है ना हमको जो मतलब किक करना होता है टाइमिंग पे, वो टाइमिंग होती है इसकी कंप्रेशन और पावर वाले जो बीच की टाइमिंग होती है। अगर मान लो जैसे किक मारते हैं ना, देखो मैं आपको किक मार के दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये रहा। अब देखो ये जैसे किक मारूंगा, ये आ गई नेगेटिव पे आ गई ना, इसका मतलब है कि भाई बाइक में जो है वो स्पार्क हो चुका है, और अब ये है इसने पावर वाली जो स्टेज है ना वो क्रॉस कर दिया, अभी एग्जॉस्ट वाली में। अगर अब हम किक मारेंगे ना तो वो डायरेक्ट एग्जॉस्ट में जाएगा, और अगर अभी हम किक मारेंगे तो वो बैक किक लग सकती है। तो इसको सही करने के लिए हम भाई इसका यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं, इसको पहले प्रेस करके हाफ किक मारेंगे भाई, ये री अब ये न्यूट्रल हो चुका है ना बीच में, तो अब हम किक मार के बाइक को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ये रहा इधर, और ये री भाई बाइक हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है भाई, तो ओल्ड बुलेट में मेनली यही इसका यूज़ होता था भाई, ये टांग टूटने से बचाता था, कुछ भी मान सकते हो यार, बाइक स्टार्ट करता था या बाइक बंद करता था। हाँ भाई, इसकी मदद से बाइक भी बंद हो जाती है, वही मैंने शॉर्ट में दिखाया, आप चेक कर लेना। और बाइक स्टार्ट भी यही करता था, बंद भी यही करता था, तो मेन स्विच यही था। मैंने बोला था ना कि जैसे ये एक मेन स्विच है, वैसे ये एक मेन स्विच है ओल्ड बुलेट का। ठीक है, अच्छा, तो भाई बस यही था इसका मेनली यूज़। बाकी ज़्यादा मैंने टेक्निकली आपको समझाया नहीं, क्योंकि भाई आपके समझ में नहीं आता, मतलब टाइम भी वेस्ट होता, लंबी वीडियो बनती, और मज़ा भी नहीं आता ज़्यादा टेक्निकली जाने में। ठीक है भाई, तो यही था यार इस एम्प मीटर का यूज़। ठीक है, तो कैसी लगी भाई वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और जहाँ तक है सेकेंड व्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो करना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get